हेलो स्टूडेंट, फिटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ जो 2 मार्च के फिटर के प्रैक्टिकल में जो हमारे बनाने के लिए आया था उसके बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें बनाना था वो आप लोगों ने किस तरीके से बनाया और लिखा है। तो ये मैं बता देता हूँ, ये 250 नंबर का पेपर है जिसमें 235 नंबर जो है हमें बनाने के हैं, जो बनाने के 10 नंबर हमारे तरीके के हैं कि हमें किस तरीके से लिखना है और 5 नंबर हमारे टूल के नाम के हैं कि किस तरीके से हमें टूल के नाम लिखना है। तो ये टोटल जो है हमें 3 पार्ट्स में नंबर मिलेंगे। तो किस तरीके से हम लिखें कि इसमें हमारे 250 में से 250 नंबर आ जाएं, तो मैं सबसे पहले जो 235 नंबर का बनाने का आएगा वो मैं बनाने का दिखा देता हूं आपको किस तरीके से बनाना है। इसमें देखिए 2 पार्ट बने हुए हैं, जो ये बड़ा वाला पार्ट है, ये बड़ा वाला जिसमें ये स्लॉट बना हुआ है, ये हमारा बी पार्ट है, वही अलग से जो बनाया हमने ये पार्ट है। तो दोनों पार्टों को हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये स्लॉट है, ये काट करके मैं बताऊंगा अभी। तो ये जो हमारा पार्ट है ये फीमेल पार्ट है और ये हमारा मेल पार्ट है, तो इन दोनों को हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फीमेल पार्ट बनाना बता देता हूँ आपको। तो इस तरीके से हमें एक पीस मिलेगा। ये पीस की लंबाई जो है 45 mm है, क्योंकि पेपर में नीचे आप लोगों ने देखा होगा कि आई डायमेंशन इन mm लिखा होगा, तो ये mm है, तो 45 mm का ये हमें पीस मिलेगा लोहे का। ये देखिए साइड में 9 mm इसकी मोटाई दी गई है, जो हमारा ये जॉब है, ये जॉब इस तरीके से, ये इस जॉब की जो हमें मोटाई मिलेगी, ये जॉब की मोटाई जो मिलेगी ये हमें 9 mm मिलेगी, जो जॉब मोटा होगा। तो इसको मैं 9 mm का हमें मोटाई मिलेगी, ये इधर पे जो इस जॉब की मोटाई रहेगी, तो मोटाई नहीं दिखाता हूँ मैं मार्किंग, क्योंकि हमें ऊपर से करना है। तो ये 45 45 का मिलेगा, 9 mm मिलेगा। अब हमें ये मार्किंग करनी है किस पार्ट बनाने के लिए, हमें ये स्लॉट बनाना है इधर पे, इस कॉर्नर पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भुजा को और इस भुजा को 90 डिग्री पे फिनिश कर लेंगे। इस भुजा को 90 डिग्री पे इसलिए फिनिश करेंगे इस कॉर्नर को, क्योंकि इसी कॉर्नर पर हमें ये मार्किंग करनी है इधर पर। इसके बाद फिनिश करने के बाद इस पर हम मार्किंग मीडिया लगा लेंगे। मार्किंग मीडिया इसलिए लगाएंगे क्योंकि मार्किंग मीडिया लगाने से हम इस पर जो लाइनें खींचेंगे वो सही से दिखाई देंगे। हमें लाइनें कैसे खींचना है वो हमें इधर से पता चलेगा। ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ये ऊपर वाला 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो इधर से हम इस कॉर्नर से एक 15 mm का हम एक निशान लगाएंगे इधर पर, और ये इधर पर 15, क्योंकि ये भी 15 है, तो 15 का हम निशान इधर लगाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि हम कटिंग करेंगे तो थोड़ी सी इसको प्लस में लेके चलेंगे, क्योंकि जब हम इसको घिसेंगे फाइल से तो थोड़ा दिक्कत ना हो। तो अभी हम खैर 15 का ही निशान लगा देते हैं, ये भी 15 का, ये भी 15 का। अब ये गहराई देखिए, ये गहराई कितनी है ये वाली, तो ये गहराई 5 mm है। तो हम इधर से ट्राई स्क्वायर से 5 mm की एक थोड़ा बड़ी सी लाइन खींच देंगे, या 5 mm की लाइन खींच देते हैं। अब 5 mm की लाइन खींचने के बाद हमें ऐसे में भी 5 mm जाना है, तो हम इधर से 5 mm का निशान लगा के एक इधर से ऐसी लाइन खींचेगी, क्योंकि अगर हम इधर से खींचेंगे तो टेढ़ी हो जाएगी। इधर से हम 5 mm पे एक सीधी लाइन खींचेंगे, इधर से ऐसी सीधी लाइन, ट्राई स्क्वायर से सीधी लाइन, तो ये 5 mm हमारा। और फिर इधर पे जो कट करेगा, इधर से हम 5 ले लेंगे, तो ये भी 5 हो गया हमारा, ये भी 5 हो गया। तो इधर से 5 mm नाप के हम ट्राई स्क्वायर से सीधी लाइन खींचेंगे, इधर से ट्राई स्क्वायर सटाएंगे। अब ये सीधी लाइन खींच गई, अब इसके बाद इधर पे नीचे से देखना है, नीचे से हमारा 5 mm जाना है। तो इधर पे हम 5 mm का एक लाइन खींच देंगे ट्राई स्क्वायर से, ये हमने 5 mm का लाइन खींच दिया। अब हमें नीचे की तरफ 5 mm जाना है, तो हम इधर पे 5 mm का निशान लगा के ट्राई स्क्वायर से एक सीधी लाइन खींच देंगे। ट्राई स्क्वायर से हमारी सीधी लाइन जाएगी, तो इस तरीके से एक पिंट पॉइंट से होकर जाएगी। और इधर से फिर हम इधर से इस पर 5 mm का निशान लगा देंगे, क्योंकि इस पॉइंट से जो ये वाला हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से 5 mm नीचे जाना है। तो हम 5 mm नीचे जाएंगे, जब 5 mm नीचे आएंगे तो ये बिंदु हमारा इधर पे क्या हो जाएगा, ये बिंदु मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमारा इतना ये इन लाइनों को हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये हमने ट्राई स्क्वायर से लाइनें खींची थी, तो हमारा इतना बन चुका है इतना। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से हमें ये 15 mm लेना, देखिए ये 15 mm लेना है और हमें ये भुजा 15 mm लेना है। तो मैं बता देता हूँ, ये 15 है और ये 5 है, तो हम इधर इस वाली लाइन से ट्राई स्क्वायर लगाएंगे, ट्राई स्क्वायर लगाएंगे, ये पॉइंट है, इधर पे हम ट्राई स्क्वायर लगाएंगे, ये सीधी लाइन खींच देंगे, और इधर पे ट्राई स्क्वायर लगा के एक लाइन इधर से सीधी ऐसे खींच देंगे, तो ये इधर पे कट कर जाएंगे। अब देख लीजिए आपकी आकृति की जो मार्किंग है, ये मार्किंग हमारी हो चुकी है, हमें ट्राई स्क्वायर का बहुत यूज करना पड़ रहा है इसमें, तो ये हमारी लाइनिंग हो गई है। अब हमें इसको कट करके इस पीस को निकालना है, तो हम कट करके कैसे निकालेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे इधर पे मान लीजिए यहाँ पे 15 है, तो हमें 15 का फिक्स लेके नहीं चलना है, हमें 15 से थोड़ा कम लेके चलना है। तो हम इस लाइन को, जो हमने ये मार्किंग की है, इस लाइन को हम कैसे कट करेंगे हेक्सा से, वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो इस लाइन के हम बगल से कट करेंगे, इधर से बगल से इस लाइन को हम बचा के रखेंगे। बचा के क्यों रखेंगे,
इसलिए बचा के रखेंगे ताकि हम जो फाइल से घिसेंगे इस लाइन के किनारे किनारे से हम कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताते हूँ, कटिंग कैसे करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये लाइन हमारी बचना चाहिए, ये कटना नहीं चाहिए। यदि हम ये लाइन काट देंगे तो हमारा ऑलरेडी 15 का हो जाएगा और जब हम इसको फाइल से घिसेंगे तो वो साइज बढ़ जाएगा, तो हमें 15 से थोड़ा कम लेके चलना है। यदि 14.5 काटना है और 0.5 का इसमें हमें टॉलरेंस लेके चलना। हम कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक हम जो आरी से इसमें जो कट लगाएंगे, एक कट हम इधर से लगा देंगे इस तरीके से, एक कट सीधा और एक कट फिर हम आरिया से इधर से सीधे लगा देंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा ये पीस कट के जो होगा, ये पीस हमारा कट के निकल जाएगा। हमारा ये पीस इतना टुकड़ा हमारा कट के निकल जाएगा, ये पीस इधर से कट के निकल जाएगा इतना, क्योंकि हमने हेक्सा से दो पार्ट काट दी। अब हमें काटना है इस पोर्शन को, इस पोर्शन को हमें कट करके निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर तक तो हम आ ही गए थे, इधर से हमने एक कट इधर पे लगाया था, अब हम एक कट लगाएंगे इधर से इस कॉर्नर से इधर तक लगा सकते हैं इधर पे, और एक लगा सकते हैं हम इधर से एक पॉइंट लगा सकते हैं इधर पर। तो हमारा इतना मटेरियल और ख़त्म हो जाएगा, इतना मटेरियल। अब हमारा मटेरियल बचा कितना, इतना मटेरियल। तो आप इसको कट लगा के, इसको इधर से हम हेक्सा से कट लगा के इधर से सीधे में कट लगा के, क्योंकि ये जगह मिल जाएगा, और चाहे तो इस तरफ से भी हम ऐसा ही कट लगा सकते हैं। तो ये मटेरियल भी हमारा कट जाएगा। अब हमारे पास कितना मटेरियल बचेगा ये इस तरीके, तो हम इसको क्या है फाइल से घिस सकते हैं। इधर से भी जो हमारा मटेरियल बचा हुआ था, तो इधर से हमने ये कट लगाया था, हम ये चाहे ये कट इधर से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये कटिंग भी हो जाएगी। अब हमारा बचेगा इतना मटेरियल, तो हम ये फाइल से घिस देंगे। फाइल से घिसने के बाद हमारा ये मटेरियल भी क्या हो जाएगा, ये मटेरियल भी हट जाएगा। अब ये इसमें हमने प्लस में लेके चली थी, जो हम देखिए ये डेडेस करके, तो इसको हम फाइल से घिसेंगे तो हमारा ये डिजाइन बन करके तैयार हो जाएगा। अब हमें बनाना है किसको, ये हमारा बन गया है बी पार्ट। अब हमें ये पार्ट बनाना है, तो ये पार्ट जो है 15 और 5, ये तो हमें 20x20 का एक पीस मिलेगा, 20x20 का एक पीस मिलेगा हमें इस तरीके से। तो इस पर क्या करना है, फिर हमें ये पार्ट को बनाने के लिए इस पर फिर से हमें मार्किंग मीडिया लगाना है। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद 15 का इधर निशान लगाना है, 15 का, और हमें इसको ट्राई स्क्वायर से 5mm अंदर ले जाना है, और इधर से भी 5mm इधर से निशान लगा के इसको मिला देना है इस तरीके से। ये हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम इस कॉर्नर से देखेंगे, इधर पे हम 5mm का निशान लगाएंगे और 5mm की लाइन खींचेंगे, और इस कॉर्नर से 5mm लगा के लाइन खींचेंगे और इसको काटेंगे। इसको काटेंगे कैसे वो मैं बता देता हूँ, किस तरीके से हम इसको कट करके निकालेंगे। हेक्सा से हम ये किधर पे लगाएंगे और ये किधर पे लगाएंगे, ऐसे निशान इस तरीके से हम कट करेंगे किनारे से। किनारे से इसलिए कट करेंगे क्योंकि हमें इसको फाइल से घिसना है। इसको भी किनारे से हम कट करेंगे, इसको भी किनारे से कट करेंगे, तो ये दोनों पीस निकल जाएंगे हमारे इस तरीके से। और इसके बाद इसको हम फाइल से फिनिश करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट साइज में। तो ये हमारा बी पार्ट बनके तैयार हो गया। अब हमें इसको, ये तो हमने बना लेंगे, हम इसको उठा के इसमें फिक्स करेंगे, तो इसके बीच में एयर गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों पीस बनकर तैयार हो गए। जब हम इसको उठा के इसमें फिक्स करेंगे तो हमारा इसी तरीके से, जिस तरीके से ये जॉब बना हुआ है, इसी तरीके से हमारा ये इसमें क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा इसमें इस तरीके से। तो हमारा ये जॉब बनकर तैयार हो जाएगा। तो इससे हमारे 235 नंबर तैयार हो जाएंगे। अब हमें 10 नंबर होता है इसके क्रम का। तो क्रम किस तरीके से रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो क्रम रहेगा, सबसे पहले नंबर पर आपको जो लिखना है, मैं लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर इस तरीके से ये हमारा जॉब बन के तैयार हो जाएगा। अब लिखना हमें कैसे है कॉपी में, सबसे पहले नंबर पर रहेगा हमारा उद्देश्य, जो हमारा सबसे पहले नंबर पर रहेगा उद्देश्य। उद्देश्य में हमारा क्या रहेगा मैं लिख देता हूँ आपको, जैसे दिए गए जॉब में भी फिटिंग बनाना, भी इस टाइप को हम इसको भी कह सकते हैं। दिए गए जॉब में, इधर हम लिखेंगे दिए गए जॉब में भी फिटिंग बनाना। दूसरे नंबर पर रहेगा हमारा मटेरियल, मटेरियल में हम क्या लिखेंगे, अब हमें दो पीस दिए गए होंगे, एक पीस अलग दिया, एक पीस अलग दिया गया, तो दोनों पीस हम अलग लिखेंगे MS फ्लैट। अब ये तो हमारा 45-45 का था, तो हम इसको लिखेंगे 45x45x9mm। और दूसरा पीस हमें दिया गया था, ये 20x20 का दिया गया था, तो MS फ्लैट 20x20x9mm। और इसके अलावा यदि आपको अलग कोई साइज दिया गया है, तो आप अलग साइज का इधर पे नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए दोनों पीस आपको 45-45 के दिए, तो ऊपर वाला पीस मैंने 45 का लिखा, नीचे वाला पीस भी आप 45-45 का लिख सकते हैं, जो आपको दिया हो वो लिखेंगे। अब तीसरे नंबर पे इसकी आएगी कार्यविधि, तो तीसरे नंबर पे हम इसकी कार्यविधि बता देते हैं। कार्यविधि पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है,
कार्य विधि को ध्यान रखना दोस्तों, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपने यदि लिखा है एग्जाम में तो आपको जरूर अच्छे नंबर मिलेंगे। जो मैंने कल वीडियो डाला था उसमें बताया था, एक तरफ हमें लिखना है कार्य विधि और एक तरफ लिखना है हमें टूल्स, टूल का नाम लिखना है जिसके हमें 10 नंबर मिलेंगे टूल का नाम। अब कैसे, जैसे सबसे पहले हमने भुजाओं को 90 डिग्री में फिनिश किया था, तो सबसे पहले हम एक नंबर में लिखेंगे दो भुजाओं को 90 डिग्री में फिनिश किया, दो भुजाओं को 90 डिग्री में फिनिश किया, तो इधर लिखेंगे हम फाइल, क्योंकि टूल का नाम क्या है फाइल, और इधर चेक किससे करेंगे हम ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर को हम गुनिया कहते हैं तो गुनिया लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे मार्किंग मीडिया, क्योंकि हमने इसमें क्या लगाया मार्किंग मीडिया, तो इधर दूसरे नंबर पर मार्किंग मीडिया लिखना था, और इधर लिखना था ब्रश, क्योंकि हम मार्किंग मीडिया किससे लगाएंगे ब्रश से लगाएंगे। इसके बाद मैं और आगे बता देता हूँ, तीसरे नंबर पे आपको कार्य विधि में क्या लिखना था, तीसरे नंबर पे हमें कार्य विधि में लिखना है, जैसे हमने इधर पे मार्किंग मीडिया लगा रहा, हमें लाइनें खींचना है मार्किंग करना है, तो हमें तीसरे नंबर पे लिखेंगे मार्किंग की, और मार्किंग करने के लिए किस टूल का उपयोग करेंगे हम, इस टूल का उपयोग करेंगे स्क्राइबर प्लस रूल, स्क्राइबर और रूल का उपयोग करेंगे। चौथे नंबर पे आएगा हमें कटिंग करना है, तो कटिंग करना है तो हेक्सा ब्लेड चाहिए, तो हम इधर लिखेंगे कटिंग, और कटिंग करने के लिए लिखेंगे इधर हेक्सा फ्रेम प्लस ब्लेड, ये लिखना था आपको, क्योंकि ब्लेड के बिना हेक्सा फ्रेम नहीं चलेगा। पांचवें नंबर में अपन को लिखना था कि इसी तरीके से जिस तरीके से हमने इस फीमेल पार्ट को बनाया, जैसे पांच नंबर में आ गए हमने कटिंग कर ली, तो कटिंग करने के बाद हमें फाइल से फिनिश करना है, तो इधर करेंगे फिनिश किया, फिनिश करने के बाद इधर हम लिखेंगे फाइल, और फाइल के लिए आप दो फाइल लिख सकते हैं, कौन कौन सी फाइल हम लिख सकते हैं, इधर फाइल में कौन कौन सी फाइल हम लिख सकते हैं, इधर यहाँ पर हम रफ फाइल भी लिख सकते हैं और फिनिश फाइल भी लिख सकते हैं। अब हमारा ये जॉब बन के तैयार हो गया फीमेल, अब हमें मेल बनाना है, तो छठवें नंबर हम लिखेंगे जिस तरीके से हमने, छठवें नंबर पे हम लिखेंगे कि जिस तरीके से हमने फीमेल पार्ट को बनाया उसी तरीके से मेल पार्ट को तैयार करेंगे, इससे आपको सारे पॉइंट नहीं लिखना पड़ेंगे। तो इधर लिखेंगे हम जिस तरीके से हमने फीमेल पार्ट बनाया उसी तरीके से मेल पार्ट बनाएंगे, वो इधर टूल में लिख देंगे सभी टूल, जो टूल हमने ऊपर यूज किए हैं उन्हीं सभी टूल का यूज करेंगे, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसके बाद हमारा जो चौथी हेडिंग होती है वो होती है सावधानी, इसमें हमें सावधानी लिखना है, ये तीसरा पॉइंट था कार्य विधि का, तो चौथे में हमें लिखना है क्या, चौथे में लिखना है हमें सावधानी में लिखी, स्क्राइबर का सावधानी से इस्तेमाल करें, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड जो है अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, फाइल बिना एंगल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, और जो भी फाइलिंग करें तो उसकी एक निश्चित स्पीड में हमें फाइलिंग करना चाहिए, तो ये हम चौथे नंबर पर सावधानी लिखेंगे। और पांचवें नंबर पर एक पॉइंट जरूर लिखेंगे कि बनाए हुए जॉब को हमने चेक करने के लिए प्रस्तुत किया, तो ये पांच पॉइंट आपको लिखना पड़ेंगे, तो आपके 10 और 5 नंबर उसमें मिलेंगे, और ये बनाने में आपको 235 नंबर मिलेंगे। तो दोस्त ये रहा हमारा जो प्रैक्टिकल हुआ था, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने क्या लिख के आए हो और किस तरीके से आपने ये राइटिंग की और बनाया है। तो आज के लिए इतना ही, तो आपको आगे के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं, ट्विटर पर जाएं, और हमारे चैनल से सारे जो भी आईटीआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ड्राइंग है या प्रैक्टिकल है, सारे देखें। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।